दोस्तों आखिर क्यों चल रहा है चाइना और भारत के बीच वाटर वॉर? किस तरह से चाइना कर रहा है पानी का हथियार की तरह इस्तेमाल, किस तरह वो भारत को नुकसान पहुंचाता है और अब क्यों भारत का डैम देखकर चीन की हालत खराब हो रही है? क्या है आखिर भारत की चीन के खिलाफ स्ट्रेटजी? कैसे भारत इस वाटर वॉर में चाइना से निपटने वाला है? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे ही सवालों के जवाब, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऐसा है जहां पर हर महीने बारिश होती है। भारी बारिश होने की वजह से यहां अक्सर ही बाढ़ आ जाती है और नॉर्थ ईस्ट के ऐसे कई राज्य हैं जहां हद से ज्यादा बारिश होती है। इन्हीं में से एक राज्य है असम, जहां हर साल बारिश की वजह से बाढ़ आती है। ऐसे में लोगों को ना केवल दिक्कत का सामना करना पड़ता है बल्कि वहां से पलायन भी करना पड़ता है। लेकिन यहां सवाल ये आता है कि इस बाढ़ के पानी का होता क्या है, क्योंकि जब भी भारी बारिश होती है तो पानी गांव और शहरों की नदियों नालों में जाता है और फिर उसके बाद समुद्र में। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि नदियों पर हम इंसानों द्वारा डैम भी बनाए जाते हैं, जिनमें बिजली उत्पादन और एग्रीकल्चर जैसे दूसरे कामों के लिए भी नदियों के पानी को रोका जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पानी का इस्तेमाल हथियार की तरह भी किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जिस तरह भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में इस समय भारी बारिश हो रही है, उसी तरह भारत के बॉर्डर में लगे चीन के हिस्सों में भी भारी बारिश हो रही है। लेकिन फर्क ये है कि चीन इस पानी का इस्तेमाल कई बार भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर भी कर चुका है, जिसकी भारत को भनक तक नहीं लगी है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि आखिर चीन ऐसा करता कैसे है। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी बारिश होती है तो नदियों में पानी भर जाता है, जिसके कारण नदियां अपने उफानों पर होती है। ऐसे में नदियों पर बने डैम की मदद से इस पानी को रोक लिया जाता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि चीन के हिस्से से कई नदियां भारत की तरफ बहती हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र, कोसी, इंडस और सतलुज नदियां शामिल है। दरअसल ये सभी नदियां चीन के कब्जे वाले तिब्बत से निकलती हैं। इन्हीं नदियों पर चीन के डैम बने हुए हैं, जिनमें चीन पानी को रोक लेता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब रुके हुए पानी को डैम से छोड़ा जाता है तो क्या होता है। आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ किया था चीन ने 2021, 2022 और 2023 के दौरान। दरअसल इन सालों में चीन ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सियान में काफी मात्रा में एक साथ पानी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को बाढ़ का सामना करना पड़ा था। इससे पहले भी साल 2017 और 2018 में जब चीन का भारत के साथ डोकलाम को लेकर विवाद चल रहा था, तब चीन ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा ब्रह्मपुत्र नदी पर बने डैम से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये जानकारी शामिल थी कि उस डैम में कितना पानी चीन द्वारा रोका गया, उस पानी को चीन कब खोलेगा, कितना पानी छोड़ा जाएगा, कब तक वो पानी भारत में पहुंचेगा। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां इस डेटा में शामिल थी। अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस जानकारी के बिना भारत में बाढ़ के लिए संवेदनशील इलाकों से लोगों को हमेशा तो सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है ना। अब ऐसी जानकारी अगर पहले से होगी तो ऐसे इलाकों में भारत को पहले से इंतजाम करने में काफी मदद मिलेगी, जिससे धन जन की कम हानि होगी। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि चीन इन नदियों को भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता आया है। यही नहीं, ब्रह्मपुत्र पर तो चीन ने कई सारे डैम्स बनाए हुए हैं। अगर पिछले एक दशक की बात करें तो पिछले एक दशक में चीन इस नदी पर 3 डैम्स बना चुका है। दोस्तों ये बात आपको नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि इन डैम्स को करीब 24 किलोमीटर के फासले पर एक के बाद एक बनाया गया है। इससे होता ये है कि चीन इन डैम्स के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी का ज्यादा से ज्यादा पानी रोक सकता है। अब ऐसे में सोचिए, अगर 3 डैम्स का पानी एक साथ खोल दिया जाता है तो क्या होगा? क्योंकि ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली सहायक नदी चीन से होकर जब भारत में दाखिल होती है तो सबसे पहले वो अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है। ऐसे में जितने भी किनारे के गांव और शहर हैं, उन सभी को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। अब ये बात तो हुई ब्रह्मपुत्र नदी की, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा भी चीन से होकर 3 और नदियां भारत में दाखिल होती हैं, और उन नदियों पर भी चीन ने डैम्स के निर्माण कर रखे हैं। अब सोचिए कि चीन किस तरह भारत के खिलाफ नदियों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर सकता है और कितने बड़े स्तर पर कर सकता है, इस बात का अंदाजा लगाना भी शायद मुश्किल है। तो दोस्तों भारत ऐसे में क्या करे? तो आपको बता दे, भारत भी कुछ इसी तरह का एक डैम बना रहा है। हालांकि इस डैम को लेकर शुरुआत तो साल 2003 के दौरान ही कर दी गई थी, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि भारत में सरकारी काम कितनी तेजी से होते हैं, है ना? तो बस थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि साल 2024 खत्म होने से पहले पहले इस डैम का काम खत्म हो जाएगा और इसका पहला यूनिट लग जाएगा, और इसे भारत और चाइना बॉर्डर के नजदीक ही बनाया जा रहा है। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मदद से चीन की जितनी भी वाटर डायवर्जन को लेकर चालबाजियां हैं, जो कि चीन द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, वो सारी धरी की धरी रह जाएंगी।
इस प्रोजेक्ट को NHPC लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 2.6 मिलियन डॉलर्स होगी, इंडियन करेंसी में 62.9 मिलियन। आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर सबसे पहला फायदा होगा बिजली उत्पादन में, क्योंकि इसके जरिए 2 गीगावाट की बिजली का उत्पादन होगा। अब ये भी जान लीजिए कि इसे अरुणाचल प्रदेश में कहां बनाया जा रहा है, क्योंकि इसे सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए तो नहीं बनाया जा रहा है। बता दें, इस डैम को सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, क्योंकि इसे सुबनसिरी नदी पर बनाया जा रहा है। यही नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई करीब 442 किलोमीटर है। तिब्बत से निकलने के बाद ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है और फिर असम के मजोली में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसी वजह से दोस्तों असम में अक्सर बाढ़ आ जाती है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा असम और अरुणाचल प्रदेश में है। अब दोस्तों बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट में 8 यूनिट शामिल है। नदी पर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट की शुरुआत इस साल यानी साल 2024 तक हो जाएगी और उसके बाद बाकी यूनिट्स मिड 2025 तक चालू हो जाएंगी। तो इसके बाद दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन चाहे जितना भी पानी इस नदी में एक साथ छोड़ दे, उस सारे पानी को संभाल लिया जाएगा। किसी भी तरह की ना तो धनहानि होगी और ना ही जनहानि। अब दोस्तों एक मजेदार बात ये भी जान लीजिए कि अगर भारत इन सभी यूनिट्स को क्लोज कर देता है और पानी को रिलीज नहीं करता, तो अब तक जिस तरह चीन भारत के लिए मुसीबत खड़ी करता आ रहा है, इस प्रोजेक्ट के बाद भारत भी चीन के लिए समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से पानी को ना छोड़ने की सूरत में ये पानी इतनी मात्रा में जमा हो जाएगा कि फिर चीन की तरफ से छोड़ा जाने वाला पानी भारत की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। ऐसे में नदी का सारा पानी चीन की तरफ ही रास्ता तलाशेगा, जिस वजह से चीन के पानी से चीन में ही भयंकर बाढ़ आ जाएगी। अब जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि इस प्रोजेक्ट की नींव साल 2003 में ही रख दी गई थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में काफी टाइम लग गया। इसके पीछे की वजह ये थी कि जब इस प्रोजेक्ट की उस टाइम पर घोषणा की गई थी, तो वहाँ पर इसके खिलाफ काफी प्रदर्शन किए गए थे। यही नहीं, इस प्रोजेक्ट की वजह से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर भी कई सारे केसेस दर्ज करा दिए गए थे, जिसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 8 साल तक इस पर बैन लगा दिया, लेकिन फिर 2019 में इसे शुरू करने की इजाजत दी गई। वेल दोस्तों, इन सब के अलावा ये भी बता दें कि तिब्बत से जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो इसका सिर्फ 5% फ्रेश वाटर चीन के हिस्से में आ पाता है, जबकि बाकी का भारत के हिस्से में आता है। इसलिए दोस्तों चीन ब्रह्मपुत्र पर 60,000 मेगावाट का एक और बांध बना रहा है। ऐसे में अगर चीन का ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, तो भारत के एक बड़े हिस्से को ताजे पानी की सप्लाई नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में शामिल कई राज्यों में ना सिर्फ पानी की समस्या पैदा हो सकती है, बल्कि वहां पर सूखा भी पड़ सकता है। इस तरह से सिर्फ एक डैम की वजह से ना सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए, बल्कि खेती बाड़ी से लेकर घरेलू जरूरतों के लिए पानी की शॉर्टेज हो सकती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ डैम की मदद से ही इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जबकि इस तरह के नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तरह की वॉर नहीं होगी। वैसे दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद आपकी हमारी वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।